लास्ट टॉपिक हमारा अब तक हमने आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑन न्यूक्लियस। हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में सेल के बारे में बता दिया था, सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, सेल की फर्दर कैटेगरी, सेल की फर्दर क्लासिफिकेशन का जिक्र हम लोग पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको बताया था, उसमें प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आज हम एक ऑर्गेनेल की तरफ आ रहे हैं, हम एक ऑर्गेनेल के बारे में बताएंगे जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में। न्यूक्लियस में आप बच्चों को बता दिया गया था, न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस कभी भी सेंटर में नहीं होता, क्योंकि सेल का ज्यादातर स्पेस प्लांट सेल में ऑक्यूपाई कर लेता है कौन, वैक्यूल्स, इसलिए इट इज ड्रिफ्टेड टू वन साइड। सेकेंडली आपको ये बात बताई थी, एनिमल सेल में इट मे बी फाउंड इन द सेंटर। न्यूक्लियस के अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट होता है, एक जेली लाइक कंटेंट प्रेजेंट होता है, उसका नाम मैंने बताया था न्यूक्लियोप्लास्म। बस न्यूक्लियस के बाहर जो कंटेंट होता है, जेली लाइक फ्लूइड, उसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लास्म के बीच में जो तबादला है, जो एक्सचेंज ऑफ मटीरियल है, वो उन पोर्स के थ्रू होता है जिसका नाम न्यूक्लियर पोर्स है। फिर उसके बाद आप बच्चों को बताया गया था कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है आइदर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल क्रोमैटिन या क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड कर नहीं कर रहा होता, उस वक्त रेस्टिंग स्टेज में होता है, तो उसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्रोमैटिन फाइबर होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड करने की पोजिशन में होता है, डिवाइड कर रहा होता है, चाहे वो कोई सी भी डिविजन हो, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, तो माइटोसिस और मियोसिस जो सेल डिवीजन है, तो उस डिवीजन के दौरान सेल के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर था वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, क्रोमोसोम हो या क्रोमेटिन हो, दोनों के दोनों केमिकली किसी से बने होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स। न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्लासेस में बात की थी कि न्यूक्लियस के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, इसका नाम होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम की जो आर्म्स होती हैं, इसको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, और इसके अंदर सेंटर के अंदर जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसका नाम सेंट्रोमेयर होता है, और यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या बताया था, काइनेटोकोर। ये वाला स्ट्रक्चर बताया था, काइनेटोकोर बताया था, ये सेंट्रोमेयर था और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स थी। जीन्स जो होते हैं ना, जीन्स का मतलब होता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। आपके पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स आपके अंदर ट्रांसफर हुए हैं, आए हैं, वो उस डीएनए के फ्रेगमेंट्स की वजह से आए हैं, तो डीएनए का वो फ्रेगमेंट जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर को पास ऑन करता है, उसको क्या कहते हैं जीन। वो जीन इसी पर लोकेटेड होता है, कहां पर, क्रोमोसोम्स। समझ आ गई बात, क्रोमोसोम्स को अगर आपको स्टेन करना है, अगर आपको सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स को देखना है, क्रोमेटिन को देखना है, तो उसके अंदर आपको स्टेन डालना होता है, एक डाई होती है, कलर डाई होती है, उसकी वजह से आप देख सकते हैं। एक डाई है जिसका नाम होता है एसिटोकार्माइन नाम का एक स्टेन होता है, जिसको सब स्लाइड बनाते हुए डालते हैं, उससे आप न्यूक्लियस को देख सकते हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम्स को भी देख सकते हैं। समझ आ गई बात, ओके। नाउ अब हम बात कर रहे हैं बेटा, ये क्रोमोसोम्स की बात हो गई, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द, एक सेल के अंदर एक बड़ी अहम ऑर्गेनेल है जिसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन वाली, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो सिर्फ और सिर्फ कौन से सेल में पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल। देखिए कैसे, अगर आप एनिमल सेल को देखें तो उसमें यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ
ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के साथ, ये जो ट्यूबुलर कनेक्शन है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो आप देख रहे हैं ट्यूब्स की शक्ल में, बारीक बारीक ट्यूब्स की शक्ल में, ट्यूबल्स की शक्ल में जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसी ऑर्गेनेल का नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा कौन से सेल में मिलता है? यूकेरियोटिक सेल। ना कभी भी बैक्टीरिया में, कभी भी प्रोकैरियोट्स में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, ये हमेशा न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड स्टेज में मिलता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इनके अंदर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप के हो सकते हैं। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं जिनके सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं। देखो, जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स होता है, तो राइबोसोम की वजह से इसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, और ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स नहीं है, इसको क्या कहते हैं बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको SER कहते हैं। बच्चों, दोनों टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है सेल के अंदर। राइबोसोम जो होते हैं इनको कहा जाता है प्रोटीन मशीन, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने की मशीन जो सेल के अंदर है उनका नाम राइबोसोम है। तो राइबोसोम्स के होने की वजह से जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम की वजह से इसको क्या बोलते हैं बेटा? तो ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ होता है, जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, इसका मेन काम प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, जबकि ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ, इनके अंदर एक तो लिपिड का सिंथेसिस होता है, लिपिड स्टीरॉयड का सिंथेसिस होता है। लिपिड समझते हो? फैट। लिपिड का मतलब फैट। लिपिड का सिंथेसिस होता है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है, इस इंड्यूसेंस का नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बच्चों, कैल्शियम आयंस का स्टोर करने का काम भी इसका होता है। कैल्शियम आयन स्टोर यहां होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस का काम यहां होता है, लिपिड का सिंथेसिस यहां होता है, और सेल के अंदर अंदर कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर अंदर ट्रांसपोर्ट करना है तो वो भी इन ट्यूब्स के जरिए होता है, जिसका नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर सेल के अंदर अंदर कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाए तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है क्या? कौन सा ट्रांसपोर्ट? इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर अंदर न्यूक्लियस, मान लो कोई मॉलिक्यूल को अंदर अंदर सेल के अंदर किसी ऑर्गेनेल को सेंड करना चाहता है, तो वो न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर अंदर वो सेल के अंदर वो मॉलिक्यूल्स वो चीजों पर ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत ही अहम एक ऑर्गेनेल है यूकेरियोटिक सेल में। सिर्फ चाहे वो प्लांट हो या एनिमल सेल हो, तो इसके अंदर इंटरकनेक्टेड कनेक्टेड स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के साथ जुड़ा होता है। इनके ऊपर अगर राइबोसोम है तो राइबोसोम होने की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और अगर राइबोसोम नहीं है तो क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, तो ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेट जो रफ है ये प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है फैट का सिंथेसिस, लिपिड का सिंथेसिस। बच्चों, ये बताएं आप कि जब हम फूड लेते हैं, जो फूड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो शुगर होती है, जो कैलोरीज होती हैं, जो एक्स्ट्रा है, जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है उससे ज्यादा ग्लूकोज आपने लिया है, तो जो ग्लूकोज की अभी जरूरत है, फौरन जरूरत है, वो आप यूज कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसका क्या होता है? इस फॉर्म में आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है जिसकी अभी आपको फौरन जरूरत नहीं है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज का आपके सेल में क्या किया जाता है, क्या उसका होता है? वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके सेल में होता है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? किसमें? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन आपकी बॉडी का रिजर्व फूड है,
जब आपने देखा होगा आपको रोजा, जब आप रोजा रखते हैं तो आपने जब सब कुछ नहीं खाया होता उस दौरान जो आपकी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो इसी फूड से मिलती है। कौन से? जैसे प्लांट के अंदर खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। इसी तरह से एनिमल के अंदर, हमारे अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन आपके लिवर में, आपके लिवर में और आपकी मसल्स में मौजूद होता है। तो मेरे बच्चों, ये आमतौर पर एक ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कहां होता है? SER, लिपिड सिंथेसिस, SER में। तो ये आपकी मसल सेल्स में, आपके लिवर के अंदर भी होगा। लिवर के अंदर और दूसरे बाकी सेल्स जिनके अंदर उनका काम प्रोटीन बनाना भी है, जिनका काम फैट सिंथेसिस भी है, तो वहां पर ये दोनों टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? पहली बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, दैट इज ऑलवेज फाउंड इन अ यूकैरियोटिक सेल। इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। हमेशा न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड पाई जाती है। तीसरी, इसमें बारीक बारीक एक इंटरकनेक्टेड फाइन ट्यूब्स होती हैं, जिस जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। चौथी बात, अगर इसकी सरफेस पे राइबोसोम हैं, तो राइबोसोम होने की वजह से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्रोटीन सिंथेसिस में है, स्मूथ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम फैट सिंथेसिस में भी है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में भी है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस में भी है। ये सारा काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और आपके सेल के अंदर अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स को सीक्रेटली अंदर अंदर कहीं भेजना है, तो वो इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू भेजा जाता है। इसका नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ आ गई? सब बच्चों को क्लियर है यहां तक? ओके। अब उसके बाद बेटा, ऑर्गेन ये इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई एक ऑर्गेनेल है जिसका नाम ये है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ओरिजिनेट होने वाली ये ऑर्गेनेल जो आपको नजर आ रही है ना, ये इसका नाम क्या होता है बेटा? गॉल्जी अपैरेटस, या गॉल्जी बॉडी भी कह सकते हो, गॉल्जी बॉडी भी कह सकते हैं, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। और प्लांट सेल में इसको एक नाम दिया जाता है, क्या क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम्स। प्लांट सेल के अंदर गॉल्जी बॉडी का एक दूसरा नाम भी है, क्या? डिक्टियोसोम्स। प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर गॉल्जी अपैरेटस का दूसरा नाम डिक्टियोसोम भी है। बेटा ये जो गॉल्जी बॉडी है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका वजूद जो है, इसका जो ओरिजिन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है। तो ये जो ऑर्गेनेल है ना, इसका पहला काम है पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। पैकेजिंग एंड सिक्रीशन का मतलब आप कैसे समझ लीजिए, आप अगर कोई चीज, कोई बुक है आपके पास, कोई पार्सल, आप किसी अपने रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, किसी आप दूसरे कंट्री में या दूसरे स्टेट भेजना चाहते हैं, कोई भी चीज आपको पार्सल करनी है, तो पार्सल कोई भी आइटम को पार्सल करना है, कोई गिफ्ट पैक है, कुछ भी है, तो आपको पहले उसको पैक करना पड़ता है। पहले पैक क्यों करते हैं आप? ताकि वो डैमेज ना हो। तो पैक करके आप उसको पार्सल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सेल के अंदर, मान लो सेल को कोई मॉलिक्यूल, कोई चीज बाहर रिलीज करनी है। एक वर्ड सुना है, ग्लैंड? बेटा आपने एक वर्ड सुना होगा, ग्लैंड। ग्लैंड आपके जिस्म में, हमारी बॉडी में, प्लांट के अंदर, एनिमल बॉडी में ना ग्लैंड होते हैं, जहां से कोई चीज सिक्रीट होती है, या तो एंजाइम सिक्रीट होता है या हार्मोन सिक्रीट होता है। तो सिक्रीट करने के लिए जो सेल होगा, सिक्रीट तभी हो सकता है जब उसके पास क्या हो? गॉल्जी अपैरेटस ही सिक्रीट करेगा। देखो, जो चीज सेल के बाहर सिक्रीट करानी है, निकालनी है, तो पहले न्यूक्लियस उसको इन्फॉर्म करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उस चीज को बनाने के लिए। अगर कोई प्रोटीन बनाना है या कोई कार्बोहाइड्रेट बनाना है, कोई फैट बनाना है,
तो उसके सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके वो मॉलिक्यूल बनता है और बनने के बाद उसको डाल दिया जाता है कहां पर, गॉल्जी अपैरेटस में। गॉल्जी अपैरेटस में उसको मॉडिफाई करके, उसको सूटेबल मॉडिफिकेशन देकर उसको इस वेसिकल की फॉर्म में डाल दिया जाता है। देखो ये वेसिकल नजर आ रही है आपको, जो जो मॉलिक्यूल इसमें गया वो जाके पैक करके इस वेसिकल की फॉर्म में आ गया और ये वेसिकल सेल के बाहर निकल जाती है, यानी डिस्चार्ज हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइम सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं, तो उनके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर मौजूद होना जरूरी है, जिसका नाम क्या है बच्चों, गॉल्जी अपैरेटस। यहाँ पे आपके गले में, नेक में कौन सा ग्लैंड होता है, थायराइड। थायराइड आपकी बॉडी में, पेंक्रियाज है, आपने नाम सुना होगा इंसुलिन, इंसुलिन है, और बॉडी के बहुत सारे ग्लैंड हैं जहां से हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, एंजाइम निकल रहे हैं। तो बेटा कोई चीज सिक्रीट करने के लिए, रिलीज करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल रिक्वायर्ड है उसका नाम क्या है, गॉल्जी अपैरेटस। गॉल्जी अपैरेटस यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होती है, लेकिन प्लांट सेल में इसका एक नाम दूसरा भी है, कौन सा, डिक्टियोसोम। प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन काम क्या है, पैकेजिंग और सिक्रीशन। कोई मॉलिक्यूल को बाहर, सेल के बाहर निकालना है, सिक्रीट करना है, तो वो गॉल्जी बॉडी के थ्रू होगा। नंबर टू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं पे डैमेज हो जाए, छिल जाए, डैमेज हो जाए, तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ठीक करने का काम, रिपेयर करने का काम भी कौन करता है, गॉल्जी अपैरेटस। ये बच्चों आपको मालूम है, डायबिटिक पेशेंट में कई बार आपने देखा होगा कि इंजरी हो जाती है, इंजरी होने पर हीलिंग नहीं होती, जख्म काफी टाइम तक भरता नहीं। किसी पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को आप देखेंगे, इंजरी होने पर बहुत टाइम तक वो हील नहीं होता, यानी कोई टिश्यू इंजर्ड हो गई, छिल गया, कोई कट गया, कट लग गया, तो वो हील नहीं होता, महीनों तक वो जख्म भरता नहीं है। और एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें सड़े हुए गोश्त की स्मेल, सड़े हुए फ्लैश की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। जैसे गोश्त जब सड़ जाता है तो उसको वही स्मेल जिस्म के उस हिस्से से आनी शुरू हो जाती है, उसको क्या कहते हैं मेडिकल साइंसेस में, क्या नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं इसको, गैंग्रीन कहते हैं इसको। और गैंग्रीन होने के बाद उस बॉडी के पार्ट को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, एम्पुटेट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। बात समझ आ रही है? तो बहरहाल मैंने आपसे कहा, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, डाइट, जैसे आपका हाथ छिल गया, तो हाथ छिला तो जाहिर है इसमें सेल डैमेज हुए हैं, तो उसमें मेम्ब्रेन भी, कुछ सेल्स की सेल मेम्ब्रेन भी डैमेज हुई होगी, तो वो मेम्ब्रेन को रिपेयर करने में कौन सी चीज की जरूरत है, कौन से ऑर्गेनेल की, गॉल्जी अपैरेटस। समझ आ गई बात? गॉल्जी बॉडी का पहला काम क्या है, पैकेजिंग और सिक्रीशन, कोई चीज को सिक्रीट करना, कोई मॉलिक्यूल को सेल के बाहर निकालना। नंबर वन, जो कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोटीन, जो फैट तुम्हारे सेल में बनते हैं, उनको वो बनने के बाद मॉडिफाई होते हैं, मॉडिफाई होने का काम भी इसी के अंदर होता है, गॉल्जी अपैरेटस के अंदर होता है। और एक और नाम सुनाऊंगा आपने, लाइसोसोम्स जो होती हैं ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल, उसको बनने में भी मदद देती है यही ऑर्गेनेल, कौन सी, गॉल्जी अपैरेटस। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज बताऊं आपको, ये जो गॉल्जी अपैरेटस है जो सेल के अंदर पाया जाता है, इसके अंदर ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें चीजें डालकर इसको पैक किया जाता है या मॉडिफाई किया जाता है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो आप यहाँ देख रहे हैं उसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं सिस्टर्नी। उसके बाद उसमें जाके वो वेसिकल की फॉर्म में पैक करके मॉडिफाई होकर सेल के बाहर निकल जाता है। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों, सबको क्लियर है यहाँ तक? तो गॉल्जी अपैरेटस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इधर देखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में होती है, जिसमें, लेकिन प्लांट सेल में कभी कभार इसका दूसरा नाम क्या है, डिक्टियोसोम है। चौथी बात आपको बताई, इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स मॉडिफाई होते हैं, यानी इस लायक बनाए जाते हैं वो इस्तेमाल हो सके। सेल के अंदर जो चीज बनती है पहले क्रूड फॉर्म में होती है, लेकिन उसको सही शक्ल देने का काम इस ऑर्गेनेल में होता है, जिसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और सॉरी गॉल्जी अपैरेटस का एक काम और भी है, लाइसोसोम्स को बनने में भी मदद करती है, और कोई सेल जो सेल आपकी बॉडी में सिक्रीट करने वाले हैं उनको अंदर उनके अंदर भी यही ऑर्गेनेल का होना जरूरी है। आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, क्या होगा अगर सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना हो, क्या होगा अगर सेल के अंदर ये गॉल्जी अपैरेटस ना हो। तो आपको मालूम है सेल के अंदर अगर गॉल्जी अपैरेटस ना होता तो क्या होता, वो सेल सिक्रीट कर नहीं कर पाता। सिक्रीट करने की प्रॉपर्टी जो तुम्हारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं उसमें से जो हॉर्मोन्स निकल रहे हैं एंजाइम्स निकल रहे हैं वो ना हो पाता अगर आपके सेल में ये गॉल्जी अपैरेटस ना होता। आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट, समझ आ रही है सब बच्चों को? ओके, रब कर तुम बेटा।